नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एसएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2024 का जेई का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है, जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई की, कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाली है नोटिफिकेशन में, जैसे कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कब से कब इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या इसका एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम जो स्टेजेस है वो कितनी स्टेजेस में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे होते हैं, जो जो इन इस ट्रेड में बीटेक करते हैं, तो वो बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए वैकेंसी निकाली गई। एग्जामिनेशन 2024, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, 28/3/2024 से लेके 18/4/2024 तक इसके फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे, और जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है, मतलब 28 मार्च से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल रखी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म कोरेक्शन, अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो उसके बाद आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा 24 अप्रैल से लेके, माफ़ कीजिएगा, 22 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल, मतलब एक दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आप एडिट कर सकते हैं अगर आप कोई गलती यहाँ पे कर देंगे फॉर्म भरते समय। उसके बाद इसका टेंटेटिव शेड्यूल देख लीजिएगा, ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका सीबीटी लिया जाएगा, एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट होगा, जो सीबीटी फर्स्ट लिया जाएगा वो देख लीजिएगा, 4/6/2024 से लेके 6/6/2024 तक जो आपका स्टेज वन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी ये टेंटेटिव है बट आप इसी को एग्जैक्ट मान के अपनी तैयारी कीजिएगा। टेंटेटिव जो पेपर टू का शेड्यूल है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा पेपर वन के बाद, अभी आप मान के चलिएगा जून में आपका जो स्टेज वन का पेपर है वो ले लिया जाएगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जो जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हेल्ड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सभी के लिए, पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए पोस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ठीक है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल की, लेवल 6 की नौकरी है, 35,400 से लेके 1,12,000 तक आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, और 7th सेंट्रल पे कमीशन इसके अंदर लागू किया गया है। आगे हम आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो थोड़ा सा हम इसको देखते चलते हैं। यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की ये पोस्ट है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट, और या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो ठीक है, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियर, तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और यहाँ पे एज मांगी गई है 30 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद हम जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के पास, मैकेनिकल में आपकी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया इन प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एज इसके अंदर वही 30 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये डिपार्टमेंट है, जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे बात की गई, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो जूनियर मैकेनिकल की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और एज होनी चाहिए 30 साल तक की। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करें तो ये देख लीजिएगा, जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा
डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 32 साल तक इसमें एज मांगी गई। तो ऐसे ही आप डिपार्टमेंट की सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आता है तो यू डोंट वरी, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, फ़ौरन तुरंत आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी। यहाँ पे हर बारी बारी से सभी की यहाँ पे दी गई है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सब की यहाँ पे दी गई है, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात कर लीजिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख लीजिएगा, टोटल वैकेंसी 438 है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे बात करें तो 37 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ओनली इसके अंदर मांगे गए हैं। ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इसके अंदर 2 वैकेंसी हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो टोटल 12 वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो 120 वैकेंसी है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करें तो 121 वैकेंसी है इसके अंदर। उसके बाद ऐसे ही देखते चलिए आप, सेंट्रल पब्लिक वर्क के अंदर 217 वैकेंसी, ऐसे ही आप देख लीजिएगा किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद ये टेंटेटिव वैकेंसी है, घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे हम आ जाएंगे, ये कोई खास जानकारी नहीं है, ये फालतू की चौसलेबाजी है। सिटीजनशिप की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख चुके हैं। यहाँ पे एज देख लीजिएगा, एज लिमिट की बात की है, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉकिंग फिक्स्ड 1/8/2024 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन DOPT OP नंबर इतना है, डेटेड 14/7/1988। तो ये 1/8/2024 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। यहाँ पे बात करें 30 साल तक की जो एज की पोस्ट मांगी गई है उनका जो बोन है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2/8/1994 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। जो 32 साल की एज मांगी गई है जिन भी पोस्टों के लिए उनका जो जन्म है ये देख लीजिएगा, अर्लियर देन 2/8/1992 से आपका पहला जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो वैसे ही SSC की हर पोस्ट में जैसे दिया जाता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, बाकी ये देख लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट से संबंध रखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। आगे हम आ जाएंगे, ये एक्स सर्विस मैन के बारे में बताया गया है, कुछ खास जानकारी नहीं है इसीलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 91 पेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, ये देख लीजिएगा, बाप रे इतना लंबा लंबा नोटिफिकेशन थोड़ी देते हैं यार। खैर हम आगे आ जाएंगे, जो जो मेन चीज़ है वही मैं डायरेक्ट आपको बताता चलूँगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे कहा गया है, कैसे अप्लाई करना है, आप काफ़ी स्मार्ट है तो इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है SSC.gov.in, इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, कैंडिडेट रिक्वायर्ड अपलोड द स्कैंड सिग्नेचर JPG, ये बताया गया किस किस साइज़ की फ़ोटो, किस किस साइज़ का आपको जो सिग्नेचर है वो अपलोड यहाँ पे करना है। लास्ट डेट ये है 18/4/2024, इसी से पहले आपको जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस आपसे 100 रुपये ली जाएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, ये विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप कोई गलती कर देंगे तो एक दिन आपको समय दिया जाएगा विंडो एडिट करने का, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने का एक दिन दिया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑनलाइन जो CBT लिया जाएगा वो आप देख लेना किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, और आपको दिया जाएगा ऑनलाइन भरने के लिए प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी आपको कौन सा भरना है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, Paper 1 और Paper 2 इसके अंदर लिया जाएगा। Paper 1 की बात करें तो ये देख लीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT आपको ऑनलाइन होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस GK GS पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद पार्ट ए में आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल पूछा जाएगा, या फिर आप पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, या फिर जो भी आप पोस्ट चूज करेंगे उसी हिसाब से पूछा जाएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। Paper 2 की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ये रहने वाला है CBT। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल या फिर स्ट्रक्चरल पूछा जाएगा, उसके बाद या फिर आपके पास जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियर मैकेनिक, जो भी आप चूज करेंगे वही उसी हिसाब से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं,
ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से बैठ के। पेपर वन एंड पेपर सेकंड विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों, पेपर वन और पेपर टू। देर शैल बी विल बी सेट बोथ इन हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, दोनों लैंग्वेज में। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी है, 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, ये सिलेबस यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। पेपर वन जनरल इंटेलिजेंस में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, और पार्ट ए ये जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उससे ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा तैयारी करने से पहले, जहाँ भी आप स्टडी टेबल है आपका वहाँ पे चिपका लीजिएगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको आराम से रीड कर पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है तो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फालतू की चीज़ें हैं, ये डिटेल से देता है एसएससी, इसीलिए वो नोटिफिकेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात यहाँ पे किया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं पेपर वन और पेपर टू के लिए। जनरल के लिए 30% मार्क्स मिनिमम लेना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी जो भी बच गया एससी एसटी वगैरह उनके लिए 20% यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ केस टाई, ये बताया गया है किसी दो बच्चों के अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उनको कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई जानकारी है खास। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, तो ये ठीक है। नोटिफिकेशन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये एसएससी के द्वारा अब जेई का नोटिफिकेशन निकल चुका है, 28 मार्च से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 18 अप्रैल लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लग जाइएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, चैट या फिर गाइड करना सजेशन चाहते हैं तो, कोई भी सजेशन या फिर गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। जीके जीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी के लिए कंप्लीट बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 1 मार्च से जो जीकेजीएस की सीरीज़ है वो स्टार्ट की गई है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनवायरनमेंट साइंस सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो वैसे तो ये हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशली फ्रेम किया गया है, बट इस ये स्टैटिक जीके है, हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है, हर एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। एसएससी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज़ हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।